डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर दिन की तरह आपके सामने हाजिर लेकर दैनिक राशिफल बताएंगे कैसे बीतेगा आपका दिन, क्या कुछ होने वाला है खास आपके साथ। लेकिन पहले जान लेते हैं पंचांग के बारे में। 20 अक्टूबर 2019 दिन रविवार का राशिफल आपको बता रहे हैं। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की जो है षष्ठी तिथि है, जो 7:32 तक रहेगी। शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो आज 11:43 तक से लेकर 12:28 तक अभिजीत मुहूर्त चलेगा। वहीं राहुकाल यानी अशुभ समय की बात करें तो आज शाम को 4:21 से 5:47 तक राहुकाल है। दिशाशूल की बात करें तो वो आज पश्चिम दिशा में है, तो इस दिशा में अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो इससे बचना है और कोई भी शुभ कार्य इस दिशा की तरफ मुख रखकर बिल्कुल ना करें। चलिए अब जान लेते हैं चंद्रमा की स्थिति आज क्या रहेगी। आज चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे। इसके साथ ही आज चंद्रदेव आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। आद्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है, जिसे ज्योतिष में किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं मिला है, इसीलिए आज के दिन मिथुन राशि सक्रिय अवस्था में रहेगी। दोस्तों, रविवार का जो दिन है, सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए जो है आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि सुबह उठना, सूर्य भगवान को अर्घ देना। ऐसा करने से सूर्य की जो कृपा है आप पर बनी रहती है। ऐसे ही और भी ढेर सारे उपाय आपको बताएंगे पूरे वीडियो में, लेकिन पहले जान लेते हैं मेष राशि के लोगों का, जातकों का जो दिन है आज कैसा बीतेगा। चंद्र राशि पर आधारित हो गया है राशिफल आपकी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेष वालों की बात करते हैं, तीसरा भाव आज आपका सक्रिय रहेगा। आज आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे और इसी वजह से आपको अपने स्वास्थ्य में भी अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन घर में चल रही किसी कलह की वजह से शाम के वक्त आपको मानसिक तनाव हो सकता है। नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा। आज अगर आप अपने घर से जुड़ा किसी भी प्रकार का निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये निवेश आज फायदेमंद रहेगा। आज का दिन मजे करने के लिहाज से बढ़िया है, इसीलिए अपनी पसंदीदा चीजों और काम का लुत्फ उठाएं। जहां तक प्रेम जीवन की बात है तो आज किसी की तरफ से आपको प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। यदि आप पहले से ही किसी के प्यार में हैं तो आज आपके पार्टनर के साथ आपकी थोड़ी खटपट हो सकती है। आज के भागदौड़ भरे दौर में हम अपने परिवार को कभी कभी कम समय दे पाते हैं, लेकिन आज का जो दिन है परिवार के साथ बेहतरीन लम्हे गुजारने के लिए उम्दा है। छात्र आज अपने पिता या पितातुल्य किसी आदमी से बातें करके अच्छा वक्त बिता सकते हैं। दिन की शुरुआत आपके लिए उतनी अच्छी नहीं कही जाएगी, लेकिन शाम के वक्त जो है इस राशि की गृहिणियां अपने पति के साथ कहीं घूमने जा सकती हैं। दोस्तों से बातचीत के दौरान जो है आज आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपका बुरा बर्ताव आपकी दोस्ती में दरार उत्पन्न कर सकता है। उपाय जान लेते हैं। उपाय के तौर पर इस राशि के जातकों को यह सलाह देंगे कि आज के दिन जलन, दाह और ईर्ष्या से बचना है आपको। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। दूसरा भाव आपका आज एक्टिव रहेगा। हेल्थ की बात करें तो सेहत काफी बढ़िया रहेगी और आप काफी चुस्ती फुर्ती के साथ दिन की शुरुआत करेंगे। आर्थिक पक्ष को देखें तो ग्रह नक्षत्रों की चाल आपको किसी प्रकार की हानि दे सकती है, ऐसे में आज आपको किसी भी तरह के धन से जुड़े मामलों को टालने की जरूरत है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज पिता के साथ आपके विचारों का मतभेद हो सकता है। प्रेम में तोल मोल करना आज इस राशि के जातकों के लिए बुरा हो सकता है। शादीशुदा लोग अपने जीवन साथी के प्रति अपने दायित्वों को समझें। शांति का भाव आज आपके मन में बना रहेगा। आज आप करीबियों को खुश करने के लिए प्रयास करते दिखेंगे। शिक्षा की दिशा में आज आपको कोई विशेष उपाधि मिल सकती है। गृहिणियों का मन आज जो है खुशनुमा रहेगा। उपाय सुनिए, कौवों को रोटी डालें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। दोस्तों, आज संडे है तो हम आपको रविवार जो है रविवार के दिन सूर्यदेव का दिन होता है, तो इससे जुड़े आपको उपाय बता रहे हैं हम। रोज स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है, इस काम से पितृ कृपा मिलती है और ऐसा करने से सूर्य भगवान की कृपा भी आप पर बनी रहती है। चलिए बात करते हैं मिथुन वालों की। पहला भाव आपका आज सक्रिय रहेगा। कमर के दर्द से जो लोग जूझ रहे थे, आज स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। खराब मूड को शादीशुदा जिंदगी में तनाव का कारण आज न बनने दें, ये सलाह है आपके लिए। धन के मामले में आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आज आप जो भी निवेश करेंगे वह भविष्य में आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि करने वाला साबित होगा। पारिवारिक जीवन में आज थोड़ा ज्यादा ही खुद के लिए व्यस्तता महसूस होगी, जिससे आपको थकान भी हो सकती है। आज हो सके तो घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा और उनका सम्मान करें। प्रेम संबंधित मामलों में आज आपका दिन लकी सिद्ध होगा। आपका प्रेम परवान चढ़ेगा और जीवन में एक दूसरे का सम्मान और महत्व बढ़ेगा। आज के दिन अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो इस यात्रा से आपको फायदा पहुंचेगा। इस राशि के जातक आज अपने माता पिता के साथ भविष्य को लेकर बातें कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष की मजबूती के लिए आप कोई बजट प्लान बना सकते हैं। वहीं छात्रों के लिए आज का जो दिन है खुशनुमा रहेगा। स्कूल या कॉलेज जाने वाले जो बच्चे हैं उनको आज कुछ नया सीखने को मिल सकता है।
गृहिणियों की बात करें हाउसवाइफ की, तो आज घर के बच्चे आपको किसी काम में आपकी मदद करेंगे जिससे आपको शारीरिक रूप से ज्यादा थकान महसूस नहीं होगी। उपाय सुन लीजिए, सूर्यदेव को अर्घ्य दें, शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी, भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे कर्क राशि की। बारवा भाव आपका सक्रिय रहेगा, स्वास्थ्य में परिवर्तन आ जा सकता है, हो सके तो थोड़ा अपनी खान पान का ध्यान रखें, अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान रखें। आज आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों को दिया गया कोई पुराना कर्ज है या किसी चीज में निवेश की गई राशि है वो आज आपको मिल सकती है। पारिवारिक जीवन के हिसाब से आज का दिन अच्छा रहेगा, यदि आप प्यार में हैं तो आज आपका दिन खुशियों से भरा होगा, आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार पाएंगे। आज आपको सावधान रहते हुए अपना समय किसी कमाऊ या उपयोगी चीज पर व्यतीत करने की जरूरत है, क्योंकि संभावना है कि आप समय की सीमा को जो है नजरअंदाज करते हुए किसी मित्र या रिश्तेदार से बातें करें जिससे आपका समय बर्बाद हो जाए। आज के दिन पारिवारिक जीवन में आपको थोड़ी निराशाजनक परिणाम मिल सकते हैं। आज आपको मेरी ये सलाह है कि अपने गुस्से को काबू में रखें और संयमित बोलने की कोशिश करें। छात्रों को आज उनकी मेहनत का उचित फल मिलेगा। वहीं गृहिणियों के लिए भी दिन अच्छा है, आज आपका जीवन साथी आपकी तारीफों के पुल बन सकता है। उपाय सुनिए, दिन में 3 बार ओम का ध्यान करना है आपको, शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून, भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। बात करते हैं सिंह राशि की। 11वां भाव आपका सक्रिय रहेगा, आज आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आपको आंखों से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आज विशेष रूप से वैसी जगहों पर ना जाएं जहां धूल मिट्टी हो, प्रदूषण हो। आज आपको अचानक से किसी स्रोत से धन की प्राप्ति होगी जिससे आपको अंदरूनी प्रसन्नता का एहसास होगा। पारिवारिक जीवन आज आनंददायक रहेगा, आज आप घर वालों के साथ अपनी खुशियां बांटेंगे और साथ ही घर के सदस्यों की बातें भी सुनेंगे। आपके पिता से आज आपको किसी तरह की सलाह भी मिल सकती है जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। आज आपके प्रेम जीवन में उड़ने का दिन है, जी भर के प्यार के समुंदर में गोते लगाइए क्योंकि प्रेम और रोमांस आपके दिल पर पूरी तरह आज हावी रहेगा। आज आपका जीवन साथी आपको अपने प्रेम में सराबोर करने के लिए भी तैयार रहेगा जिसका अनुभव आज आप जरूर करेंगे। छात्रों को मानसिक तनाव हो सकता है, वहीं गृहिणियों को कोई घरेलू कार्य मानसिक और शारीरिक थकान दे सकता है। उपाय सुनिए, पीले कपड़े में अपने किसी पूर्वज की सोने की चीज बांध कर लॉकर में रख दें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला, भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। दोस्तों, संडे के दिन तुलसी को जल चढ़ाएं और 11 बार परिक्रमा करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस उपाय से विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि पैसे जो है आपके पास बने रहें, लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो ये उपाय जरूर करें आप। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की। 10वां भाव आपका सक्रिय रहेगा, स्वास्थ्य जीवन में आज आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। बेहतर जिंदगी के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। आर्थिक रूप से देखें तो आज आप खर्चों के बोझ तले दब सकते हैं। आज अचानक ही कोई ऐसा काम आ सकता है जो आपके खर्चों में इजाफा करेगा। परिवार में परिजनों के बीच तालमेल देखने को मिल सकता है। वहीं घर के बच्चे आपके चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। परिवार में चल रहे विवाद के को जो है आज सुलझने की संभावना है। इस राशि के जो लोग प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके जीवन की गाड़ी आज बहुत अच्छे से चलेगी। वहीं जो लोग मैरिड हैं, आज का दिन सबसे खूबसूरत दिनों में से एक हो सकता है आपके लिए। छात्रों की बात करें तो मन की स्थिति आज डवाडोल रहेगी और पढ़ाई से ज्यादा इधर उधर की चीजों में जैसे कि टीवी मोबाइल में आपका ध्यान लगने वाला है। आज गृहिणियों को पति को खुश करने के लिए अच्छे पकवान बनाने पड़ सकते हैं, यानी कि आपका ज्यादा समय किचन में आज बीतने वाला है। उपाय सुनिए, चांदी की अंगूठी धारण करें, शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी, भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे तुला राशि की। 9वां भाव आपका सक्रिय है, स्वास्थ्य के हिसाब से दिन अच्छा रहेगा लेकिन तनाव आपको परेशान कर सकता है, इसीलिए इस पर आपको काबू करना होगा। आज के दिन इस राशि के कुछ जातकों की आर्थिक स्थिति आकस्मिक मुनाफे या सट्टेबाजी के जरिए सुधर सकती है। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो परिवार के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए बीते दिनों से आप जो काम कर रहे थे उसके अच्छे परिणाम आज आपको मिल सकते हैं। आपका प्रेमी आज आपकी परीक्षा ले सकता है, इसीलिए आज कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आप उनकी नजरों में गिर जाए। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपको जीवन साथी का फोन भी आपके दिन भर की थकान मिटा देगा और चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगा, लेकिन आज आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। छात्रों की प्लानिंग आज सिर्फ प्लानिंग नहीं रहेगी बल्कि इसे वो जिंदगी में लागू भी कर पाएंगे। गृहिणियों की बात करें तो अपने मन में बातें नहीं रखनी चाहिए, उन बातों को अपने जीवन साथी से शेयर करना चाहिए जो आपको परेशान करती है। ऐसा करके ही आप रिश्ते में ईमानदार बनी रहेंगी। उपाय सुन लीजिए,
घर में तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। आठवां भाव आपका आज सक्रिय रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति आज थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। अगर आपको कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या भी है तो उसको लेकर डॉक्टर के पास जाएं। धन संबंधित मामलों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। पूर्व में आपने जो भी प्रयास किए थे आज उनके फल मिलने का समय आ गया है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज जो है परिजनों के साथ आप कहीं बाहर जा सकते हैं। वहीं अगर फैमिली में कोई शख्स शादी के योग्य है तो उसके रिश्ते की बात चल सकती है। लव लाइफ की बात करें तो आज आप ऐसी स्थिति में आ सकते हैं जिससे निकलने के लिए आपको तुरंत फैसला लेना पड़ सकता है। वहीं मैरिड लाइफ की बात करें तो आज दाम्पत्य जीवन में जो दिन है वो तनाव से भरा रहेगा, क्योंकि जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद होने की काफी संभावना है। छात्रों की रचनात्मकता का स्तर आज बढ़ा रहेगा। आज हर काम को आप अलग और बेहतर तरीके से करना चाहेंगे। हाउसवाइफ जो है उनके लिए दिन अच्छा रहेगा, लेकिन यदि आपके दिल में कोई ऐसी बात है जिनकी वजह से आपको परेशानी हो रही है तो आज अपने जीवन साथी से उस बात को लेकर खुलकर चर्चा करें। उपाय सुन लीजिए। आज के दिन केले का सेवन बिल्कुल ना करें। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। अब बात करेंगे धनु राशि की। सातवां भाव आपका सक्रिय रहेगा। हेल्थ की बात करें तो आज का दिन काफी बेहतरीन रहने वाला है और आज के पूरे दिन को आप एंजॉय करेंगे। आज आपकी ऊर्जा देखते ही बनेगी, क्योंकि आप पूरी तरह से जोश में रहेंगे और हर काम में आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे। आर्थिक क्षेत्र कुछ कमजोर रहने के संकेत दे रहा है। आज के दिन आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। खर्चों पर काबू रखने की कोशिश करें और सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदें। माता पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर सकता है। जो लोग प्रेम संबंधों में पड़े हैं आज अपने प्रेमी से दूरी बनाकर चलने की कोशिश करेंगे और इसका कारण होगा आपका किसी अन्य काम में बिजी होना। आपके परिवार के कुछ लोग अपने बच्चों के साथ आज आपके घर में पहुंच सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियां पाना चाहते हैं तो आज आपको अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताना चाहिए। वहीं स्टूडेंट्स की बात करें तो आज का दिन खासा महत्वाकांक्षी सिद्ध होगा आपके लिए। अक्सर जो है आप अपने घर में पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन पूरी तरह से आप सफल नहीं हो पाती। आज ऐसा दिन है जो ये दिन है गृहिणियों के हिसाब से चलेगा, हाउसवाइफ के हिसाब से चलेगा। जैसे आप बदलाव चाहती थी वैसा बदलाव आपको आज देखने को मिलेगा। उपाय सुन लीजिए। तांबे का कड़ा धारण करें आज। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। दोस्तों आज जो है शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और काले तिल का दान करें। इस उपाय से शिव जी के साथ ही सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये उपाय बहुत सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब बात करेंगे मकर राशि की। छठा भाव आपका आज सक्रिय रहेगा। किसी लंबी बीमारी से परेशान जातकों को आज विशेष रूप से कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन इससे निजात मिल जाएगा। आज के दिन आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है और घर में खुशियां आ सकती हैं। इसके साथ ही आज आपको अपने पिता या पिता तुल्य किसी शख्स से विशेष सलाह मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में आज खुशियां व्याप्त रहेंगी। आज आपके रिश्तेदारों के द्वारा आपके अच्छे व्यवहार की तारीफ हो सकती है, जिससे आपके माता और पिता को अत्यंत खुशी होगी। प्रेम जीवन को आज आप खास बनाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा अपने प्रियतम को कोई उपहार दे या उन्हें बिना बताए किसी रोमांटिक जगह पर लेकर जाए। प्रेमी जोड़े आज का दिन जो है किसी पार्क में या शॉपिंग मॉल में गुजार सकते हैं। वहीं जो लोग मैरिड हैं, आपके जीवन साथी का प्यार आपके दिन की थकान को आज एक झटके में दूर कर सकता है। छात्रों को आज सभी विषयों को समझने में आसानी होगी और गुरु की सराहना भी आपको मिलेगी। कह सकते हैं कि इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। इस राशि की गृहिणियां जो हैं आज वक्त का सही उपयोग करेंगी और आज आप किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ने में अपना दिन बिता सकती हैं। आज सामाजिक और धार्मिक समारोहों में आपकी भागीदारी हो सकती है, इससे आपको काफी अच्छे अनुभव मिलेंगे। उपाय सुनिए। पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। पांचवा भाव आपका आज सक्रिय रहेगा। आज आप व्यापार के चलते किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान अपनी सेहत का अवश्य ध्यान रखें। इस दौरान किसी भी ऐसी चीज का सेवन ना करें जिससे आपकी सेहत पर उसका विपरीत असर पड़ता हो। आर्थिक मामलों के लिए आज का दिन सामान्य रह सकता है, हालांकि दिन के दूसरे चरण में आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। धन से संबंधित मामलों में आपको आज अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन सेहत को लेकर धन खर्च हो सकता है। फैमिली लाइफ की बात करें तो किलेबंदी वाली जो जीवन शैली है उसमें आज आप खुद को बधा हुआ महसूस कर सकते हैं। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें आज अपने प्रेमी की किसी बात का बुरा लग सकता है, उसके कारण आप दोनों के बीच तनाव का माहौल भी बन सकता है।
यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ आप किसी ऐसे मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं जिससे आपका जीवन उससे प्रभावित होता हो। छात्र आज अपने पिता या पिता तुल्य किसी आदमी से बातें करके अच्छा वक्त बिता सकते हैं। वहीं जो गृहिणियां हैं हाउसवाइफ आज अपनी संतान की ओर से किसी प्रकार की उनको खुशखबरी मिल सकती है। उपाय सुन लीजिए, जरूरतमंदों को आज भोजन कराएं। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी, भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर करने का, इससे मुक्त होने का एक छोटा सा उपाय है और वो है कि मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है इसको लगातार इस उपाय को करते रहना होगा। अब सबसे आखिर में बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। चौथा भाव आपका आज सक्रिय रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज आपका स्वास्थ्य आपके साथ रहेगा। आज आपकी पैतृक संपत्ति में वृद्धि हो सकती है, धैर्य बनाए रखें क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। अतिरिक्त धन को रियल स्टेट में निवेश किया जा सकता है। वहीं फैमिली लाइफ की बात करें तो आज परिवार के बीच आप अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करेंगे। इस राशि के वो जातक जो प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए दिन शुभ फलदायी है। दाम्पत्य जीवन में आज उत्साह और प्यार की अधिकता रहेगी। कई दिनों से जिस एहसास की आप उम्मीद लगाए बैठे थे आज आपको वो चीज फील होने वाली है। कॉलेज जाने वाले छात्रों को आज जीवन में प्यार की अनुभूति हो सकती है जिससे मन प्रसन्न रहेगा। वहीं गृहिणियां जो है हाउसवाइफ, ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का आपको तोहफा मिल सकता है। उपाय जान लीजिए, कन्याओं में मीठी वस्तुएं बांटें। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला, भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा 20 अक्टूबर का दिन सभी 12 राशियों के लिए। संडे का दिन है तो वो काम करें जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो अपना थोड़ा समय लोगों की मदद के लिए भी निकालें। अगर आप सक्षम हैं और आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ये काम जरूर किया करें, इससे बहुत पुण्य मिलता है, आपके कर्म अच्छे होते हैं और आपको रिजल्ट भी इसके अच्छे ही मिलते हैं आगे लाइफ में। इसके अलावा अगर वीडियो में दी गई सभी जानकारियां पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।